हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों के लिए आज ऐसा वीडियो लाई हूँ जो इतने सारे नमूने हैं, मैं दिल से उन लोगों को रिस्पेक्ट भी करती हूँ और रोस्ट भी करती हूँ। सो दिल पे मत लेना यार, क्योंकि अपना टाइम ही ये है और अपना काम ही यही है। सो दिल पे मत लेना, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं भी वहीं से हूँ जहाँ से भैया आप हो। तो भैया ये बताओ, आपने वीडियो बहुत शानदार बनाया है यार, मज़ा आ गया आपका वीडियो देखकर। और रियली यार, अगर आपसे कोई प्यार करता भी हो, करती भी होगी, तो वो ऐसे कपड़े कैसे पहन के आ गई? प्यार करती होगी जब ही आई होगी। आजकल भी ऐसे कपड़े तो बहुत चलते हैं। रुको जरा, जब प्यार ही नहीं था तो क्यों स्कूल में ऐसे वाली ड्रेस पहन के आई थी? वैसे बंदे ने बात तो सही कही यार, तुम स्कूल में ऐसे ड्रेस पहन के आते थे तो प्यार तो था ही सही, और थोड़ा तिरछी नजर से भी देखते थे। बात तो सही बोला, ऐसा ड्रेस क्यों पहन के आते थे? प्यार था तभी तो आते थे ना। राजू किधर है तू? ब्यूटी पार्लर में? हरमखोर ब्यूटी पार्लर में क्या कर रहा है तू? अरे गधा है वो साला तू। तो क्या दोनों सिलेक्शन हो गए हैं? अब तो बॉलीवुड में जगह मिलेगी आप लोगों को भी। जा जाओ इंदौरी और विश राठौर, नाइस वीडियो, पक्का पक्का सिलेक्शन तो पक्का है, अच्छा एक्ट किए हो। गाइस, बाहुबली में भी एक शायर ने क्या खूब कहा है, निमड़े आप सैड हो और किसी ने कहा कि आपको शायरी सुनने को मिलेगा, और अगर इस टाइप की शायरी, वो सैडपन तो दूर और हंसी मस्ती यूं अपना टाइम पास हो ही जाएगा। शायर है यार, ऑसम बाहुबली 2 और 1 जो भी हो। अगर तूने आज मुझे आई लव यू नहीं बोला तो मैं इसी सड़क पे गाड़ी के नीचे आके अपनी जान दे दूंगा। इस पे गाड़ी ना आती, उस पे चला जा। नियम मन कैंसिल कर दी। मेरी मानो तो इस टाइप के मजनू से आप दूर ही रहना। वो बोलते कुछ है और करते कुछ है और आपको दिखाएंगे कुछ और। वो तो अच्छा हुआ हमें पता चल गया कि इस टाइप का भी होता है। कसमे वादे पे भरोसा मत कर, इसमें ही तुम्हारा फायदा है, नहीं तो ये सारा भाई माधव हमने कोई परेशानी साले कुत्तों की जिंदगी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो फिर चला जा, जा भोसड़ी के। अगर घर में तो मम्मी ने हमारे घर में जलेबियाँ बनाई है। लड़की अपने आप को क्यूट दिखाने के चक्कर में ना जलेबी है क्यूट यार। सलोनी अप्पा आप सच में क्यूट हो। ताको आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आप लोगों को तो पता होगा ही कि मैंने गाली गलौज करना छोड़ दिया अब अपने वीडियोस में। मिरेकल, तो काफी टाइम हो गया दोस्तों, पिछले 1 मिनट से शायद मैंने कोई गाली नहीं दिया। वैसे दीदी सही बोल रही है, गाली गलौज उसने छोड़ दिया है। मजा तो अभी भी आता है वीडियो में, पर पहले भी आता था। क्या पता सामने वाले को गाली सुनने की आदत ही ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मजा आता होगा। कृपया कोई परेशान ना करे, वरना हमारा तो समय खराब है, तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। हमारे समय के साथ साथ मुंह भी खराब है दोस्तों, इसलिए हमें 75 फिल्टर लगाने पड़ रहे हैं यहाँ पे। दीदी प्लीज जिंदगी खराब मत करना, दीदी प्लीज प्लीज जिंदगी खराब मत करना। अगर किसी की जिंदगी आपने खराब कर दी, वो आधी रास्ते से बारात लेके भाग जाने वाला है। थोड़ी ना समझो प्यार से समझाने वाला चाहिए, के थोड़ी ना समझो प्यार से समझाने वाला चाहिए, मोहब्बत की ज्यादा शर्त नहीं है जनाब। मैं पे हाथी बहुत हूँ, बस लाइक दबाने वाला चाहिए। तो ध्यान रखना बेटा। बेटा आई एम नॉट योर बेटा। जीतने का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब अपने दम पे कुछ वायरल लिपस्टिक करके नहीं। गाइस रुको रुको रुको, आपको 21 साल और 18 साल में अंतर बताती हूँ कि 21 साल में क्या कर सकते हो और 18 साल में क्या कर सकते हो। लो यहाँ इंडिया में 18 साल में वोट दे सकते हैं और 21 साल में शादी। इसका मतलब समझे दया, 18 साल में तू देश संभाल सकता है लेकिन बीवी को नहीं। मुझे बस चूतिया से एडिट करना था तो किया ही क्यों? कुछ पूछा
पूछा मैंने कुछ? अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो झूठे आदमी के साथ प्रेम, सच्चे आदमी के साथ गेम और फालतू आदमी के साथ टेम कदे मत लाइयो। तो इसकी मूर्ति बननी चाहिए। हैप्पी दिवाली भाभी जी। आपको भी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भाभी जी। हैप्पी दिवाली विशेष पूरी हो गई हो तो चलो अंदर पटाखे फोड़े। लेकिन पटाखे तो बाहर फोड़ते हैं। हम इस बार पटाखे अंदर फोड़ेंगे। चलो 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 पटाखे फोड़े। Few moments later. अरे तुम लोग चाहते क्या हो? कुछ वीडियो बनाकर हम आप लोगों के सामने इतना मेहनत करके रोस्टेड वीडियो बनाते हैं और भी अच्छा बनाने के लिए ये लो नए नए रोस्टेड वीडियो और नमूने से आप लोगों को मिलने में मज़ा तो आ ही रहा होगा। मुझे भी मज़ा आ रहा है इन नमूने से मिलने के लिए। इंस्टाग्राम पे इतने नमूने भरे पड़े हैं कि मुझे तो ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है, यूँ मिल जाता है। और आप लोगों को भी पता ही होगा कि कॉमेडियन वीडियो बहुत ज्यादा आता है। अकेले अकेले मजे नहीं, अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। दोस्तों अगर लोगों को प्रॉब्लम है तो होने दो ना, हमें क्या चाहता है, हमें तो रोस्ट करना है यार। और अगर वीडियो मजा आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। और अब ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, सो इस वीडियो को अभी यहाँ स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ मसालेदार मिर्ची लेके हम फिर से हाजिर हो जाएंगे आप लोगों के सामने।